नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ सेफ्टी रिपोर्ट उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं सब्जेक्ट कोड है पी डी एस टू जीरो फोर एडवांस सेफ्टी मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग टेक्निक क्वेश्चन के अंदर आपको राइट ब्रीफ ऑन सेफ्टी रिपोर्ट और आपको शॉर्ट नोट ऑन सेफ्टी रिपोर्ट और आपको प्रिपेयरनेस ऑफ सेफ्टी रिपोर्ट ये कैसे करना है मैं सेफ्टी रिपोर्ट इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है स्टेचुटरी इन्फॉर्मेशन रिक्वाड इन ए सेफ्टी रिपोर्ट इज गिवन इन शेड्यूल एट रूल टेन बैकेट इंटू वन ऑफ एम एस आई एस सी रूल्स नाइनटीन एटी नाइन बिफोर नाइनटी डेज ऑफ एनी मोडिफिकेशन है अथॉरिटी यानी कि स्टेचुटरी इंफॉर्मेशन की जरूरियात के हिसाब से शेड्यूल एट में जो दिया गया है एम एस आई सी एच सी रूल्स नाइनटीन एटी नाइन जो है उसके तहत आपको अगर कोई आप जो परमिटेड है उसमें कोई चेंजेस करते हैं तो नाइन्टी डेज बिफोर आपको उसका मॉडिफिकेशन का इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट जो है वो आपको स्टेचुटरी इंफॉर्मेशन विथ रिपोर्ट जो स्टेचुटरी ऑथोरिटी है उसके पास सबमिट करना रहता है शेड्यूल एट इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश इन ए सेफ्टी रिपोर्ट यानी कि शेड्यूल एट के तहत आपको सेफ्टी रिपोर्ट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन फिलअप करना है तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन यानी कि नेम और एड्रेस जो है आपका फैक्ट्री का प्लान का जो भी है वो आपको उसके अंदर इंफॉर्मेशन नेम एंड एड्रेस दोनों के साथ भरना है दो नंबर में देखें तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नेमली एज ए साइट

थर्ड नंबर देखे तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेसिस यानी कि प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन देना है नेमली ए टेक्निकल परपज ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्ट बी में देखे तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस सी देखे तो प्रोसेस एंड सेफ्टी रिलेटेड डाटा फॉर द इंडिविजुअल प्रोसेस स्टेजिज यानी कि स्टेज वाइज प्रोसेस के अंदर क्या क्या होने वाला है और उसके लिए सेफ्टी रिलेटेड क्या डाटा हो सकता है प्रोसेस डिस्क्रिप्शन यानी कि प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन देना है सेफ्टी रिलेटेड टाइप ऑफ यूटिलिटीज आप क्या क्या यूज करने वाले हैं वो थर्ड नंबर के अंदर आपको मेंशन करना रहता है फोर्थ नंबर देखे तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द हेजारियस केमिकल्स नेमली एज फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल क्वान्टिटीज डाटा सेफ्टी रिलेटेड डाटा टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा एंड थ्रेसोल्ड वैल्यू बी के अंदर देखे तो द फॉर्म इन विच द केमिकल मे अकर ऑन और इन टू विच दे मे बी ट्रांसफॉर्म इन द इवेंट ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन सी देखे तो द डिग्री ऑफ प्योरिटी ऑफ द हेजारियस केमिकल ये फोर नंबर के अंदर रहेगा फिफ्थ नंबर अभी देखे तो इंफॉर्मेशन ऑन द प्रिलिमिनरी हेजार्ड एनालिसिस फर्स्ट ऑफ नेमली देखे तो ये टाइप ऑफ एक्सीडेंट क्या तो किस टाइप का एक्सीडेंट हो सकता है बी में देखे सिस्टम एलिमेंट और इवेंट दैट कैन लीड टू ए मेजर एक्सीडेंट सी देखे तो हेजार्स क्या क्या है डी में देखे तो सेफ्टी रिलेवेंट कंपोनेंट क्या क्या होना चाहिए अभी सिक्स नंबर देखे तो डिस्क्रिप्शन ऑफ सेफ्टी रिलेवेंट यूनिट्स अमोंग अदर्स उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखे तो स्पेशल डिजाइन क्राइटेरिया इसके बाद कंट्रोल एंड अलार्म्स, स्पेशल रिलीफ सिस्टम्स, क्विक एक्टिंग वाल्स कलेक्टिंग टैंक्स पर डम टैंक्स स्प्रिंकलर सिस्टम फायर फाइटिंग एटसेट्रा से सेवन नंबर देखे तो अभी इंफॉर्मेशन ऑन द हेजार्ड एसेसमेंट ने आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेजार्स

description of information on organizational system used to carry on the industrial activity safely namely first of all a of maintenance and inspection schedules BK under guidelines for the training of personnel CK under allocation and delegation of responsibility for plant safety डी के अंदर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी प्रोसीजर्स यानी कि आप क्या प्लांट के अंदर सेफ्टी प्रोसीजर इंप्लीमेंटेशन करते हैं वो सभी जो है पॉइंट्स ये एट नंबर के अंदर मेंशन करना रहता है अभी नाइन नंबर देखें तो इंफॉर्मेशन ऑन एसेसमेंट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ मेजर एक्सीडेंट नेमली फर्स्ट ऑफ ऑल ये असेसमेंट ऑफ द पॉसिबल रिलीज ऑफ हेजारियस केमिकल और ऑफ एनर्जी बी के अंदर पॉसिबल डिस्पर्जन ऑफ रिलीज केमिकल सी के अंदर एसेसमेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द रिलीजेज साइज ऑफ द अफेक्टेड एरिया हेल्थ इफेक्ट्स प्रॉपर्टी डैमेज तो ये जो है नाइन नंबर के अंदर हमें सभी मेंशन करना रहता है टेन नंबर देखें तो इंफॉर्मेशन ऑन द मिटिगेशन ऑफ मेजर एक्सीडेंट नेमली फर्स्ट ऑफ ऑल ये फायर ब्रिगेड बी में अलार्म सिस्टम सी के अंदर इमरजेंसी प्लान कंटेनिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूज टू फाइट द इमरजेंसी द अलार्म एंड द कम्युनिकेशन रूट्स गाइडलाइंस फॉर फाइटिंग द इमरजेंसी इंफॉर्मेशन अबाउट हेजारियस केमिकल्स एग्जाम्पल ऑफ पॉसिबल एक्सीडेंट सिक्वेंसिस डी के अंदर देखे तो कोऑर्डिनेशन विद द डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑथोरिटी एंड इट्स ऑफ साइड इमरजेंसी प्लान यानी कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑथोरिटी जो है उसके साथ कोऑर्डिनेशन करना ऑफ साइड इमरजेंसी प्लान के बारे में ई के अंदर नोटिफिकेशन ऑफ द नेचर एंड स्कोप ऑफ द हैजार्ड इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट एंटीडोट्स इन द इवेंट ऑफ रिलीज ऑफ हेसाडस केमिकल थैंक यू दोस्तों